सड़क पर वाहन चलाते समय जीवन रक्षा के लिए हेलमेट लगाना जरूरी हो गया है, पर मांदा में विद्युत विभाग के काम कर रहे बाबू और कर्मचारी नौकरी के दौरान जीवन सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाकर काम कर रहे हैं। सुनने में ये अजीबोगरीब जरूर लगेगा, लेकिन ये वीडियो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल हेलमेट लगाए बैठे ये कर्मचारी बांदा विद्युत विभाग में कार्यरत है। इनके दफ्तर की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी ऊपर लगे एंगल टूटकर गिर सकते हैं। यहाँ ये स्थिति करीब 2 सालों से बनी हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि एक महिला उपभोक्ता हादसे का शिकार हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को सूचित भी किया, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लगातार कई बार पत्र लिखकर अधिकारियों को भेजा जा चुका है, मगर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। सर ऊपर देख रहे हैं, बड़ी खराब स्थिति है। पता नहीं कब कोई चीज गिर जाए तो कदम सर तो बच जाएगा, हाथ पार टूट जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे। ये बिजली विभाग का कौन सा ऑफिस है ये? ये सर मीटर टेस्ट लैब है, परीक्षा प्रयोगशाला। 12-13 सरकारी स्टाफ है और कुछ लड़के प्राइवेट काम कर रहे हैं। जिस तरह काम कर रहे हैं, क्या अधिकारियों ने देखा आप हेलमेट लगा के काम कर रहे हैं? सबको सब कुछ मालूम है सर, अधिकारियों को मालूम है, आते रहते देखते रहते, सबको मालूम है। अब सर आप खुद देख सकते हैं कितना खतरा है। अधिकारियों से कभी कहा? कई बार सर लिखित में कह चुके हैं, ओरली भी कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। सर देख रहे हैं ऊपर क्या कंडीशन है, डर लगता है कभी कुछ गिर गया, चोट वोट लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कभी अधिकारियों से नहीं कहा आपने? कई बार हमने कहा, बड़े साहब को लिखित रूप से, मौखिक रूप से, एसी साहब को ही कॉपी की गई है, मुख्यमंत्री साहब कॉपी की गई है, लेकिन खाली आश्वासन मिलता है, काम कुछ नहीं हो रहा है। क्या खतरा? गर्मियों में इतना तपता है कि हम लोग बैठ नहीं पाते। कैसे क्या खतरा है, किस तरह से जर्जर है ये? अरे सर बहुत ज्यादा, यहाँ से धूल मिट्टी तो गिरती ही रहती है, कपड़े वपड़े तो गंदे होते ही रहते, बाकी लटक रहा है, पता नहीं कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। कितने कर्मचारी आप लोग बैठ के काम करते हैं? हम लोग यहाँ कम से कम 12-13 कर्मचारी हैं। कब से ये हालत है? ये कई सालों से साहब, मैं 2 साल से पहले आया हूँ यहाँ पे, पहले करवी में था, 2 साल से मैं यही देख रहा हूँ। वहीं यहाँ काम करने वाले दर्जन भर कर्मचारी डर के साए में नौकरी करने को मजबूर हैं। कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ आने वाले उपभोक्ता कई बार उन पर हंसते भी हैं, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाकर काम करना उनकी मजबूरी हो गई है। ये पूरा मामला उच्च अधिकारियों को कई बार बताया जा चुका है, पहले भी लिख के दिया जा चुका है ये, और अभी हम यहाँ नए आए हैं 2-3 महीने पहले, ज़्यादा अच्छे से मुझे इसके बारे में जानकारी हो रही है, लेकिन ये बताया गया है कि इसके बारे में कई लेटर उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया है। जर्जर है बिल्डिंग, इसको बनवाने के लिए, और ज़्यादा कुछ मैं इसके नहीं बताता। कहीं ना कहीं जान का खतरा तो है ही, ऐसे में कोई घटना होती है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार उच्च अधिकारी है। इस वक्त हम खड़े हैं विद्युत विभाग के मीटर प्रयोगशाला में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से लोग हेडमेट लगा के यहाँ काम कर रहे हैं। हालांकि कई बार आला अधिकारियों को लोग संज्ञान में डाल चुके हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिस तरह से बिल्डिंग की हालत देखी जा सकती है, कितनी जर्जर है, किसी वक्त भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, ऐसे में विद्युत विभाग लापरवाह बना हुआ है। बांदा से पंजाब केसरी के लिए जफर अहमद।